नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 6 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पंचायत को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनावी सिंबल। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले में 33 लोगों के खिलाफ की गई चार्जशीट जारी। बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए जदयू ने पूरी की तैयारी। अब बिहार में वैधानिक कार्यों से परे नहीं लिया जाएगा शिक्षकों से कोई भी काम। सीबीएसई के 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र पैटर्न में किया गया बदलाव। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बीएसपीसीबी पटना ने निकाली रिक्तियां। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बीएसपीसीबी पटना ने सहायक पर्यावरण अभियंता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी अशु लिपिक ग्रेड 2, लेखा लिपिक, नमूना कलेक्टर, फील्ड सहायक, लोअर डिविजनल क्लर्क, एलडीसी के कुल मिलाकर 36 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास केमिकल, सिविल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बीई, कंप्यूटर अनुप्रयोग के बुनियादी ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 23 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bspcb.bis.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की 129 चिन्हों की सूची। पंचायत चुनाव को लेकर लगभग सभी ऐलान किए जा चुके हैं। हालांकि अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, मगर हाल ही में पंचायत चुनाव के 10 चरण में होने का फैसला सुनाया गया है। इसके साथ ही अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कुल 129 चुनाव चिन्ह की सूची जारी कर दी है। इसमें मुर्गा, मछली, पतंग से लेकर बैंगन, ब्रश और मोबाइल जैसे सिंबल भी शामिल है, जिन पर मतदाता ईवीएम से बटन दबाकर अपना प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। आयोग ने मुखिया पद के लिए सर्वाधिक 36 चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। आपको बता दें, 2.5 लाख से अधिक पदों के लिए होने वाले इस चुनाव का आयोजन अप्रैल मई महीने में करवाए जाने की संभावना है। शिवहर के देकुली धाम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में केवल 2 मंदिरों में ही श्री यंत्र लगा हुआ है। एक है देवघर के बाबा वैजनाथ धाम मंदिर और दूसरा है इस शिवहर जिले का बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर, यानी कि देकुली धाम मंदिर। इस अति प्राचीन मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण द्वापर काल में किया गया था। मंदिर के पश्चिम भाग में एक तालाब है, जिसकी खुदाई करीब 1962 में छत्तौनी गांव निवासी संत प्रेम भिक्षु ने करवाई थी, जिसमें द्वापर काल की दुर्लभ पत्थर और धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, जिसे मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार पर दाहिने तरफ अति प्राचीन मौल श्री वृक्ष के पास स्थापित की गई थी। इस मंदिर के पौराणिक एवं धार्मिक महत्व के बारे में मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार राम एवं भगवान शिव के अवतार परशुराम ने इसी मंदिर में साथ में पूजा की थी। अब नई क्लास में शिक्षकों को करानी होगी पिछली कक्षा की भी पढ़ाई। कोरोना के माहौल के बाद अब एक बार फिर से स्कूलों में छात्रों का आना जाना शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना के कारण छात्रों की पढ़ाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, लेकिन छात्रों को सहूलियत देते हुए भले ही बिना परीक्षा के ही उन्हें अगली कक्षा में पास कर दिया गया हो, मगर अब उनकी पढ़ाई को पूरा कराने की तैयारी शुरू हो रही है, जिसके तहत इस साल स्टूडेंट्स को पिछले सत्र की पढ़ाई भी कराई जाएगी। इसके लिए 3 महीने का विशेष कोर्स तैयार किया जाएगा। छात्र छात्राओं को मुख्य मुख्य टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी स्कूल को पत्र जारी कर दिया है और कहा है कि कोरोना के कारण स्कूल पिछले सत्र में बंद थे, कई बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पिछले साल के कोर्स को छोटा कर 3 महीने का कोर्स तैयार किया जा रहा है। बिहार में राजस्व कर्मचारियों की जल्दी होगी बहाली। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। चुनावी वादे के अनुसार बिहार सरकार जल्द ही राजस्व विभाग में बंपर बहाली करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 6,510 कर्मचारियों की बहाली होगी। इसमें 1760 अमीनों की बहाली की प्रक्रिया जून महीने तक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अगले 6 महीने में 4,350 कर्मचारी और 400 राजस्व अधिकारी की बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उनके विभाग में कर्मियों की काफी कमी है, जिसे दूर करने की कवायद शुरू की गई है। विभागीय मंत्री ने विधानसभा में 1,261,73,00,000 रुपए के बजट को पेश किया है, जो ध्वनिमत से पारित हो गया। नीट पीजी परीक्षा के प्रश्न पत्र में हुआ बदलाव। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम सूचना। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा ने हाल ही में अपने परीक्षा के प्रश्न में बदलाव कर दिया है, जिसके तहत आवेदन शुल्क में भी 30% बढ़ोतरी की बात कही गई है।
आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी हर वर्ग के लिए की गई है, जिसके बाद छात्रों में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके तहत अब अनारक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को 5,015 रुपए का आवेदन शुल्क देना पड़ रहा है। पहले यह शुल्क 3,750 रुपए का था। वहीं SC ST उम्मीदवारों को अब 3,835 रुपए बतौर आवेदन शुल्क जमा करना होगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के छात्रों में फीस बढ़ाए जाने के साथ ही अपना पसंदीदा परीक्षा केंद्र नहीं मिलने की शिकायत भी देखने को मिल रही है। शिक्षा मंत्री ने दी शिक्षकों को बड़ी राहत। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में शिक्षकों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब बिहार में वैधानिक कार्यों से परे शिक्षकों से कोई काम नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार अब इस बात का ध्यान भी रखेगी कि आने वाले समय में शिक्षा से जुड़े किसी भी अधिकारी को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ किया है कि अगर हम शिक्षकों की हर समस्या का समाधान करेंगे तो शिक्षकों से भी उम्मीद रखेंगे कि वे हर समाज के बच्चों को अपना बच्चा समझकर स्कूल में पढ़ाएंगे। इसका फीडबैक अभिभावकों की तरफ से आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाने में बिहार के इस जिले ने मारी बाजी। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाने के मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले ने बाजी मार ली है। वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर बिहार का दरभंगा और सहरसा जिला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 3 दिनों से आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया मुजफ्फरपुर शहर में शुरू हुई थी। गुरुवार की शाम 6 बजे तक कुल 2408 लाभुकों का गोल्डन कार्ड बन गया है। जानकारों की माने तो शहरी क्षेत्र में लगातार पार्षदों से मिल रहे सहयोग के कारण आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड बनाने में मुजफ्फरपुर को यह सफलता मिली है। 15 और 16 को बंद रहेगी बिहार की 7,620 बैंक शाखाएं। बिहार की 7,620 बैंक शाखाएं 15 और 16 मार्च को बंद रहने वाली है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने अपने 2 दिवसीय बैंक हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसके कारण सूबे की सभी बैंक शाखाओं पर 2 दिनों तक ताला लटका रहने वाला है। वहीं महीने का दूसरा शनिवार और अगले दिन रविवार होने के कारण 13 और 14 को भी बैंक की शाखाएं बंद रहने वाली है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की माने तो निजीकरण को लेकर सरकारी बैंकों के कर्मचारियों में डर का माहौल बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि इस निजीकरण का शिकार बड़े से लेकर छोटा तक कोई भी बैंक हो सकता है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इसके पहले सरकार IDBI का 2019 में निजीकरण कर चुकी है। पिछले 4 साल में 14 सरकारी बैंकों का विलय भी हो चुका है। अब जनवरी महीने तक गांधी सेतु के पूर्वी लेन को पूरा करने की शुरू हुई तैयारी। गांधी सेतु के पूर्वी लेन को तोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। वहीं अब तक इसमें 23 स्पैन के फुटपाथ को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इनमें से 16 स्पैन को पूरी तरह तोड़ दिया गया है और उनके पियर हेड को भी हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, 3 स्पैन पर सुपर स्ट्रक्चर चढ़ाने का काम भी पूरा हो गया है, जिसके बाद 16 स्पैन को तोड़ने का काम किया जा चुका है और कुछ पिलर पर अभी भी काम जारी है। बाकी अन्य 22 स्पैन को भी चरणबद्ध ढंग से तोड़ने का काम जल्द ही शुरू होगा, जिसके बाद अब जनवरी महीने तक इस पूर्वी लेन के शुरू होने की तैयारी की जा रही है। CBSE के 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र पैटर्न में फिर हुआ बदलाव। CBSE के 10वीं और 12वीं की परीक्षा मई महीने से शुरू होने वाली है। हालांकि परीक्षा पैटर्न को लेकर अब तक काफी बदलाव किए जा चुके हैं, जिसके तहत अब एक और बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी CBSE ने हाल ही में जारी किए गए सैंपल पेपर में दी है, जिसके तहत इस बार केस स्टडी आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके साथ ही चॉइस आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इस बार 10वीं मैथ्स के दोनों स्तर बेसिक और स्टैंडर्ड में 4 केस स्टडी बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 2020 की परीक्षा में 1 अंक वाले 20 सवालों में केवल 2 प्रश्न में ही इंटरनल चॉइस दी जाती थी, किंतु इस बार 1 अंक के 16 सवालों में 5 प्रश्नों में इंटरनल चॉइस दी जाएगी। इसके अलावा इस बार परीक्षा में 5 अंक के लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न भी पूछे जाएंगे। बंद उद्योग के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने किया सरकार से सवाल। बीते दिन का विधानसभा सत्र एक बार फिर से हंगामेदार देखने को मिला। हर दिन की भांति शुक्रवार को भी सदन शुरू होने से पहले ही सरकार का घेराव विपक्षी दलों द्वारा किया गया। इसी क्रम में बिहार में बंद पड़े उद्योग के मामले को ध्यान में रखते हुए ही विपक्षी दलों ने विरोध किया, जिसके तहत माले तथा राजद विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से उद्योगों को फिर से शुरू करने की मांग की। माले विधायकों ने कहा कि बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को फिर से शुरू करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कटिहार जूट मिल के सभी मिलों को फिर से किया जाए। उसी तरह बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करने की मांग भी की गई है। जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख के लिए किया स्थगित। लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में बीते दिन सुनवाई हुई, जिसके बाद इस मामले को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत रिम्स प्रबंधन के द्वारा लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य रिपोर्ट और जेल मैनुअल उल्लंघन मामले के रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने अपनी संतुष्टि जताते हुए मामले की सुनवाई तत्काल स्थगित कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान रिम्स प्रबंधक की तरफ से रिम्स के डायरेक्टर ने जवाब पेश किया है। जवाब के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि लालू प्रसाद की बीमारी को देखने के बाद डॉक्टरों की टीम गठित की गई थी। डॉक्टरों की टीम द्वारा जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय के आलोक में उन्हें इलाज के लिए एम्स भेजा गया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान CBI की तरफ से यह मामला उठाया गया था कि लालू प्रसाद रिम्स में बीमारी के नाम पर इलाजरत है, वहां वे धड़ल्ले से जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं।
बिहार में नए वोटर्स को ई इपिक डाउनलोड कराने के लिए आज से शुरू होगा अभियान। बिहार में अब नए वोटर्स को ई इपिक डाउनलोड करवाने के लिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत होने वाली है। निर्वाचन विभाग के संयुक्त सचिव मिथिलेश कुमार साहू ने राज्य के सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को 1 जनवरी 2021 के आधार पर नव पंजीकृत मतदाताओं को ई इपिक कार्यक्रम चलाकर जागरूक करने का आदेश जारी किया है। इस बाबत साहू ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च तक इसे 100% डाउनलोड कराने का निर्देश दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में वैसे नए मतदाता की संख्या 2,62,000 है जिन्होंने मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर भी दिया था। इसमें अब तक मात्र 30% ही ई इपिक डाउनलोड कर सके हैं। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अभी करना होगा और ज्यादा इंतजार। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अभी और ज्यादा इंतजार करना होगा। इसको लेकर प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में कहा है कि मामला कोर्ट में होने की वजह से प्रोन्नति को लेकर फैसला नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ही अभी कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट का निर्देश मिलने तक राज्य सरकार द्वारा इस पर निर्णय लेना संभव नहीं है। मंत्री जी ने आगे ये भी कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ जरूर देगी, इसको लेकर सरकार प्रयासरत है। उन्होंने बताया है कि 11 अप्रैल 2019 तक प्रोन्नति दी जा रही थी। अब बिहार में मुंबई की तरह ही ले सकते हैं मरीन ड्राइव का मजा। बिहार में अब मुंबई के तर्ज पर मरीन ड्राइव का लुफ्त आप भी उठा सकते हैं। पटना में मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह ही बन रहे गंगा पाथवे के पहले फेज का काम अब अपने अंतिम चरण में है। वहीं दूसरे फेज का काम भी शुरू हो गया है। पटना में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज तक 20.5 किलोमीटर गंगा पाथवे का निर्माण किया जा रहा है। पहले फेज में दीघा से एएन सिन्हा संस्थान तक लगभग 6 किलोमीटर सड़क को इसी साल जुलाई तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मरीन ड्राइव की मदद से अब लोग गंगा तक आने जाने का काम कर सकेंगे, जिसके बाद पूरे गंगा पाथवे को मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2014 में ही इस गंगा पाथवे का काम शुरू किया गया था। इसके लिए 2,351 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव में वोटिंग लिस्ट से छूटे वोटरों के नाम को अब जोड़ा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में बिहार पंचायत चुनाव में शामिल होने वाले वोटरों को लेकर अपना बयान जारी किया है। इतना ही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने विधानसभा में मौजूद वोटरों के पंचायत चुनाव को वोटर लिस्ट से गायब होने वाले मतदाताओं के लिए भी अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत आयोग ने छूटे लोगों के नाम को मतदाता सूची में जोड़ने की बात कही है। ये भी बताया है कि जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से 1 जनवरी 2021 की अहर्ता पर तैयार विधानसभा के निर्वाचन सूची का 15 फरवरी को प्रकाशन किया गया था। इसके अनुसार ही ग्रामीण क्षेत्र में 14 लाख से ज्यादा नाम जोड़े गए हैं। ऐसे में औसतन एक निर्वाचन क्षेत्र में 13 मतदाताओं के नाम जोड़े जाने हैं। इसके लिए सभी बीडीओ को आवश्यक कदम उठाने की जानकारी दे दी गई है। बिहार में अब मल्टी टोन्ड हॉर्न बेचने वालों पर भी होगी सख्ती। बिहार में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक सकारात्मक कदम उठाया गया है, जिसके तहत अब बिहार में मल्टी टोन्ड और प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी जा रही है। बिहार विधान परिषद में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू ने इस बात की घोषणा की है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि अभी तक सिर्फ ऐसे हॉर्न लगाने पर प्रतिबंध है, लेकिन बेचने पर प्रतिबंध लगाने से कार्रवाई कारगर साबित होगी। इस बाबत उन्होंने कहा है कि वाहनों में मल्टी टोन्ड हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण काफी ज्यादा होती है, लेकिन अब इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। स्वास्थ्य विभाग में अब भी जल्द ही होगी बंपर बहाली। स्वास्थ्य विभाग में भी जल्द ही होगी बंपर बहाली। कोरोना के माहौल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी थी, जिसके बाद अब स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत अब खाली पड़े स्वास्थ्य विभाग की सीटों को भरने की तैयारी जोर शोर से हो रही है, जिसको लेकर ही हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी किया है और बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त 2,632 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं 3,706 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। इसके साथ ही उन्होंने 1772 प्रयोगशाला प्रावैधिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन की कार्रवाई की जाने की बात भी कही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर 1915 में पहली बार शांति निकेतन में आज ही के दिन मिले थे। भारत का पहला वित्तीय डेली समाचार पत्र द इकोनॉमिक टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा 1961 में बॉम्बे में आज ही के दिन लॉन्च हुआ था। भारत ने 1990 में इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब आज ही के दिन जीता था। महान पत्रकार अरुण तमहांकर का 1995 में आज ही के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली थी। हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह ने 1998 में कांग्रेस की सरकार आज ही के दिन बनाई थी।
बिहार विधान परिषद में मुकेश सहनी की बर्खास्तगी का उठा मामला। बीते दिन बिहार विधान परिषद में बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी के बर्खास्तगी का मामला उठाया गया। मिली जानकारी के अनुसार सदन में राजद नेता भाई वीरेंद्र ने एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी के जगह उनके भाई के जाने का मामला उठाया, जिसके बाद से ही विपक्षी दलों ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग शुरू कर दी। हालांकि मुकेश सहनी के बचाव में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीच सदन में कहा कि मुझे इस मामले के बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो यह गलत है। जिसके बाद मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चैंबर में भी मिलने बुलाया, जिसके बाद ही मुकेश सहनी ने मीडिया के सामने आकर माफी भी मांगी। बंगाल के चुनावी मैदान में अकेले ही उतरेगी जदयू। बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, सभी दल अब अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव की आज अब बिहार में भी देखने को मिल रही है, जिसके तहत बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू ने भी मैदान में किस्मत आजमाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि जदयू इस चुनाव में अपने दम पर अकेले ही उतरने वाली है, जिसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान यह साफ कर दिया है कि जदयू किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और अकेले ही मैदान में उतरने वाली है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि उनका फोकस बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करना है। बूथ अगर मजबूत है तो नींव मजबूत होगी। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले में एनसीबी ने 33 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। सुशांत सिंह राजपूत के गए हुए कई महीने गुजर चुके हैं, मगर सुशांत ने अपनी जान क्यों ली इस बात का कोई खुलासा भले ही ना हुआ हो, मगर एनसीबी को बॉलीवुड के गलियारे से काफी कुछ मिला है। इसी क्रम में हाल ही में एनसीबी एनडीपीएस की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। चार्जशीट में 33 अभियुक्तों और 200 गवाहों के बयान हैं। हार्ड कॉपी में 12,000 से अधिक पृष्ठ और डिजिटल प्रारूप में लगभग 50,000 पृष्ठ बीते दिन अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत अन्य लोग आरोपी बताए गए हैं। हालांकि अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। भारत मजबूत स्थिति में, ऋषभ पंत ने लगाया शतक। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन भारत ने एक विकेट पर 24 रन से आगे खेलना शुरू किया, मगर पुजारा और कप्तान कोहली जल्दी आउट होकर वापस लौट गए। रहाणे ने रोहित के साथ मिलकर पारी को संभाला, मगर वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। रोहित शर्मा बदकिस्मत रहे और अपने अर्धशतक से मात्र एक रन पीछे रह गए, मगर ऋषभ पंत के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के कारण न सिर्फ भारत ने 200 का आंकड़ा पार किया बल्कि लगभग 100 रन की बढ़त भी बना ली है। ऋषभ पंत ने 13 चौके और 2 छक्के की मदद से 118 गेंदों में 101 रन बनाए। उनके अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने भी बल्ले से कमाल करते हुए 60 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को जरूरी लीड दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दिन का खेल खत्म होने पर भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 294 रन है। वॉशिंगटन फ्लिपकार्ट पर अब बोलने से ही हो जाएगी शॉपिंग। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने यूजर के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब यूजर को अपने पसंदीदा सामान की खरीदारी करने के लिए उसे सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, ना ही टाइप करने की कोई जरूरत होगी। सिर्फ कह देने से ही तय किए गए सामान की कीमत आपके सामने खुलकर आ जाएगी। फ्लिपकार्ट ने इसके लिए नए वॉइस सर्च ऑप्शन को रोल कर दिया है, जिसके बाद अपने सामान को तलाशने के लिए टाइपिंग में लगने वाला समय भी आप सीधे सीधे बचा सकेंगे। हालांकि फिलहाल सिर्फ एंड्रॉयड इस्तेमाल करने वाले यूजर ही इसका फायदा उठा सकते हैं। फ्लिपकार्ट के इस फीचर को अमेजोन के एलेक्सा पावर वॉइस से मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुनील कुमार महतो, मिथिलेश कुमार, ललित कुमार, साहिल राज, असलम राज, रोहन रॉय, विकास गुप्ता, रविन्द्र पासवान, ओमकार सिंह, प्रियम लाल यादव, राजेश कुमार, मोहम्मद आफ्ताब, रोहित कुमार, सतीश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार की चुनाव में क्या है आपके क्षेत्र का सबसे खास मुद्दा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।